तो ये मुझसे मेरा नंबर मांग रहे हो, क्या कह रहे हो? मैं आईडी का एड्रेस, आईडी का एड्रेस चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए मेरा। हाँ जी। जी, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया और बड़ा ही क्विक रेसिपी रेस्टोरेंट है, और बात लिखवा ली, ठहर जा, ये इधर आओ, इधर आओ जी भाई, ये मेरा दोस्त है, ठीक है जी। तो ये मुझसे मेरा नंबर मांग रहे हो, क्या कह रहे हो? मैं आईडी का एड्रेस, आईडी का एड्रेस चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए मेरा। हाँ जी। वो क्या करना है? आईडी कार्ड क्या करना है? सिम तो नहीं निकलवानी मेरे नाम? नहीं नहीं नहीं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, लिखाओ करो। आज का एपिसोड बड़ा क्विक और इंस्टेंट रेसिपी वाला एपिसोड है। हम लोग कलाम सफ़र कर रहे हैं, रात हो गई है और भूख भी हमेशा की तरह लग गई है, तो हम मर्दान में रुके हैं। मर्दान मेन रोड पे हूँ और यहाँ से मुझे जल्दी खाना खा के जल्दी निकलना है। एक रेस्टोरेंट है काफ़ी बड़ा, इनका मेन्यू भी बहुत बड़ा है, मतलब हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो चल के देखते हैं लोग क्या क्या बना रहे हैं, लोग क्या क्या खा रहे हैं, और हमारे लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है। मेरे साथ रहिएगा। ये रेस्टोरेंट बाबे मर्दान के फौरन बाद लेफ्ट साइड पर आता है। मेरा मुँह शनवारी कढ़ाई खाने का था, मगर होटल की तरफ से वाइट कढ़ाई खाने का मशवरा मिला। इस कढ़ाई के लिए मटन को पहले से रोस्ट करके रखा जाता है ताकि कढ़ाई जल्द तैयार हो सके। अगर आप कभी मर्दान का विजिट करें तो यहाँ के तंदूरी किचन आपके लिए तवज्जो का बाइस होंगे। तो क्या बना रहे भाई? हम तो समझाओ। ओ माशाल्लाह। हाँ मर गया। सादा करें? हाँ सादा सादा सही रहेगा। वाइट कढ़ाई उन्होंने बनाई है, मैंने उनको कहा था टमाटर वाली बना दे, लेकिन कहते नहीं आप वाइट कढ़ाई खाएं आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसमें उन्होंने सिर्फ नमक और हरी मिर्चियाँ थोड़ा सा पानी डाला है। अब सरप्राइज़ है, प्लेजेंट भी हो सकता है और असल वाला सरप्राइज़ भी हो सकता है कि कैसी बनी है। साथ में हमने ली है अपनी एक, जो हमेशा की तरह हम जब भी केपी के बलूचिस्तान में जाएँ तो हम लोग लाजमी काबली पुलाव खाते हैं। रोटियों का इनका जो तंदूर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बना हुआ है। यहाँ पे केपीके में जो तंदूर होते हैं वो पंजाब से ज़रा डिफरेंट होते हैं, और अन्य वहाँ पे रोटियाँ लग रही थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
इसकी रेसिपी में उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली थी, और मैं तो टमाटरों की इंसिस्ट कर रहा था, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि आप ये खाएं आपको अच्छी लगेगी, वो वाकई डिफरेंट है। वाइट कढ़ाई वो इसको कहते हैं, लेकिन इसमें उस तरह से क्रीमी टच नहीं है, हल्का हल्का सा, देखें हल्का हल्का सा गाढ़ा सा एक शोरबा सा है, और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, और इसका अरोमा भी अच्छा है। नॉर्मली हम लोगों को ज़रा स्मेल भी आती है चर्बी की, लेकिन इसमें उस तरह से स्मेल भी नहीं है। नीचे से पानी निकालते हैं, दो मिर्चें डालते हैं। बीफ का जी है काबली पुलाव, ये नीचे बोटियाँ छुपी हुई हैं, साथ में इसके गाजरें हैं मीठी, और ये काफ़ी बड़े पैमाने पे बना रहे थे। मेरे प्लान में वैसे काबली पुलाव शामिल नहीं था, लेकिन जब मैंने उनका स्केल देखा ना कि वो इतने बड़े पैमाने पे बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने सोचा कि ये फेमस ही होंगे और मज़ेदार ही होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने बनाए हुए थे और वो धड़ाधड़ बिक भी रहे थे। मैंने वैसे सजी कही थी, फिर मैंने सजी कैंसिल करवा के चावल करवा दिए हैं, और ये फैसला बिल्कुल ठीक साबित हुआ है। काबली पुलाव की जो बेसिक रेसिपी है ना, वो है सादा, शदीद किस्म के सादा चावल हैं, लेकिन इंतहाई मज़ेदार और खुशबू वाले। ये आप देख लें, आधा किलो कढ़ाई थी, चावल थोड़े बच गए, लेकिन कढ़ाई पे हमने सारे हाथ साफ़ कर दिए, तो बहुत लगी थी। सुबह का नाश्ता करके निकले सा, और अभी हमने आगे भी बहुत दूर जाना है, 150 किलोमीटर का भी सफ़र रहता है, और रात हो गई है, और ख़ास तौर पे केपी के रीजन में तो इशा के बाद ऐसे सन्नाटे छा जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, तो इसलिए हमें अभी ज़रा निकलना है। लेकिन कावा पीना ज़रूरी है, क्योंकि अगले 3-4 घंटे सफ़र है, तो कावा पीने का जो ऑपरेटर है इनका बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इनका ख़ास एक मर्तबान होता है, इनके चूल्हे भी डिफरेंट होते हैं। तो चल के देखते हैं पहले कावे वाला कर क्या रहा है, और उसके बाद वहीं पे कावा पीते हैं, इलायची वाला होता है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पिशावर में जो मैंने कावा पिए थे, आपको देखा होगा मैंने 3 खाने खाए थे, कुछ 7 कावे पी गया था, तो ये इनका, ये बड़े एक्सपर्ट हैं कावा बनाने में। कुछ चीज़ें होती हैं जो इन लोगों की होती हैं, रीजनल होती हैं, जैसे चपली कबाब आपको जो केपीके में मिलता है, हम लाहौर कराची से जितने मर्ज़ी खा लें वो टेस्ट नहीं होता, इसी तरह बट कढ़ाई आप कहीं और से खा लें तो नहीं मिलती। सो कावा भी इनका ही है, और इनसे अच्छा कोई नहीं बनाता, लिहाजा मैं 2 कप पीऊँगा। तो चलते हैं, चल के पहले देखते हैं, और फिर साथ में कावा पीते हैं, मेरे साथ रहिएगा। कावा बनने का जो प्रोसेस है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और जो मैंने आपको बताया था, ये आपको पेशावर में और इस 4 सदा मर्दान रीजन में ये जो बर्तन है ना, ख़ास किस्म का हमाम इसे क्या कहते हैं, ये आपको नज़र आता है यहाँ पे, और साथ में इन्होंने रस्सी भी पकड़ी होती है, उसको पकड़ के ये सारा अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर ये 2 चीज़ें नहीं होंगी तो कावे का ये टेस्ट मेरे ख्याल से नहीं निकलेगा। बेहतरीन कावा है, हमने जो गोश्त चर्बियाँ चुर्बियाँ खाई हैं सारी निज़ाम दैट सॉल्व कर देगा। कावा 2-2 कप पी लिया है, क्योंकि अगले 3-4 घंटे हम गाड़ी में ही हैं, तो सफ़र भी साथ इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।